हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वज़न घटाने वाली एक ऐसी स्पेशल खिचड़ी जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं और वज़न को नहीं बढ़ाना चाहते तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये अमेजिंग सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर मैंने लिया है दलिया और मूँग और मसर की दाल, और मैंने देखी बिल्कुल हाफ बाउल से भी कम लिया है। और इसे हम रख देंगे भिगो कर अच्छे से। पहले मैंने इसको धो लिया है और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर साइड में रख दूँगी। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे सोक करने के रख देंगे। इससे जो है दलिया और ये जो खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंस्टेंट वे में बन जाएगी। बहुत ही क्विकली ये जो रेसिपी है वो बन जाती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसको। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल डाल लिया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सरसों का ऑयल लिया है, और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के बाद जो है ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है, और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैं अदरक डालूँगी। तो इनको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। अगर आप जो है इसका पेस्ट डालना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो पेस्ट से भी जो है अच्छा जो है टेक्सचर आता है। पर मुझे अदरक और जो लहसुन है उसे बारीक काट कर डालना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको वैसे वे में डाला है। और 1 से 2 मिनट इसको पका लेने के बाद लो से मीडियम फ्लेम पर इसमें डाल देंगे अब हम प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और उनको बारीक चॉप्ड कर लिया है। और प्याज को हम यहाँ पर अच्छे से जो है ब्राउन करेंगे और बिल्कुल कच्चा नहीं रहने देंगे प्याज को। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी रेसिपी है, क्योंकि इस रेसिपी से जो हमें फ़ाइबर न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, पर इसी के साथ हमारा जो है वज़न नहीं बढ़ता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो ये रेसिपी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बिना मिर्ची के। और जो हमने अदरक और लहसुन डाला है उसको पेस्ट के रूप में डालकर आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी रहेगी ये खिचड़ी। बहुत ही ज़्यादा जो है क्विकली भी बन जाती है, क्योंकि जब हम इस दलिया और जो हमने मूंग और मसर की दाल को सोक करके रखा है तो वो अच्छे तरीके से ईजिली और क्विक वे में बन भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे मैंने टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़ा डाल रहे हैं तो 1 बड़ा टमाटर भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने बारीक चॉप्ड किया है। और अच्छे से जो है टमाटर को हम गला लेंगे, और जब तक वो पिसना शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम इसमें दाल नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 2 घंटे के बाद देखिए दाल बिल्कुल फूल चुकी है, और इसका पानी हम निकालेंगे नहीं। इसके पानी को मैंने एक गिलास में निकाल लिया है, क्योंकि अच्छे से धोकर मैंने रखी थी, और जो दाल का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा होता है। तो इस दाल के पानी को मैं इस खिचड़ी में ही यूज़ करूँगी, तो इस दाल के पानी को आप फेंकिएगा मत। और जो टमाटर है अच्छे से गलना शुरू हो गया है, तो अभी मैं आधे मिनट के लिए इसे और पका लेती हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टमाटर को पीस कर डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मुंह में जब टमाटर आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें दाल डाल दी है, और जो ये 2 से 3 मिनट के लिए जो है दाल को अच्छे से जो है रोस्ट कर लेते हैं हम इसी के बीच में। और जो है इसी के साथ टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है। यहाँ पर जो मैंने फ्लेम है उसे लो से मीडियम के बीच में ही रखा है, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जो सब्ज़ी कोई भी बनाए तो वो अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाती है पर वो कई बार बीच में से कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पर जो है दलिया भी अच्छे से सोख हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल जो है दलिया सोख हो चुका है। क्योंकि दलिया बनाने में हमें ज़्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसे जो है बिना सोख किए हुए ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दलिया और जो मूंग और मसर की दाल है उनको अच्छे से जो पहले से ही सोख करके रखा है, इसलिए ये जो खिचड़ी है 10 से 15 मिनट के बीच में अच्छे से बन जाती है। और अच्छे से जो है हम दलिये को भी रोस्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर रोस्ट करने के बाद इसमें जो है मसाले डाल देते हैं। ये जो वेट लॉस खिचड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत जो कम मसालों का जो असेंशियल मसाले होने का यूज़ करेंगे। जैसे हल्दी, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, आधे से भी कम, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं गरम मसाला जस्ट फॉर टेस्ट ले रही हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये 3 इन्ग्रीडियंट ही डाले हैं, और जो मिर्ची है उसे मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो मिर्ची को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अगर करना है तो जो ग्रीन मिर्च है हम उसे डाल सकते हैं।
वेट लॉस खिचड़ी में आप रेड मिर्च को अवॉइड ही कीजिएगा। इसमें जो ग्रीन चिली है आप उसका जो पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं बाद में, या बीच में ही उसे कट करके डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने जो है पानी को उबालना रख दिया था साइड में, तो ये गर्म पानी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस जो खिचड़ी, इंस्टेंट खिचड़ी में। यही सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हम पानी डालेंगे वो हम गर्म डालेंगे। उसी के साथ ही मैंने जो दाल का पानी है वो भी डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 4 बाउल जो हैं गर्म पानी के इसमें ऐड किए हैं। तो ये जो पिक्चर लेना, इसका जो वीडियो लेना थोड़ा स्किप हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 4 बाउल जो है यहाँ पर मैंने गर्म पानी के डाले हैं इसमें। और आप इसमें बीच बीच में चेक करते रहिए, अगर खिचड़ी आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें गर्म पानी फिर से ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे हमें ठंडा पानी नहीं ऐड करना है इसमें, जो है गर्म पानी ऐड करना है 10 से 15 मिनट के बाद, फिर हम खिचड़ी को देखेंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने जो है खिचड़ी को बीच में पहले भी चेक किया था और मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत लगी थी, इसलिए मैंने आधा बाउल जो है पानी का इसमें डाल दिया था। टोटल मुझे 4 बाउल ही इसमें पानी के जो डालने पड़े थे, 3 बाउल पहले और आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी मैंने बाद में इसमें ऐड किया है, और वो भी मैंने गर्म पानी ऐड किया है। गर्म पानी में जो सब्ज़ी है चाहे खिचड़ी है वो ईज़िली जो है बन जाती है, तो आप ज़्यादातर गर्म पानी का यूज़ कीजिए। तो अभी मैं इसके थोड़े से तड़के की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी का तड़का हल्का सा लगा रही हूँ। अगर आप इस तड़के को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी जो है तड़के वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है 1 चम्मच। उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब अच्छे से जो पक जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक जो है छोटी इलायची और एक लौंग डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, खड़े मसाले। तो एक जो है इलायची डाल दी है, एक लौंग, और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 2 जो है रेड चिलीज़ डाल दी हैं। इससे जो है तड़के का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए तड़कना शुरू हो गया है, और अभी मैं इसको आधे मिनट के पकाने के बाद इसमें जो है खिचड़ी में डाल दूँगी। इससे जो है टेक्स्चर और कलर दोनों बहुत ही बढ़िया आ जाता है खिचड़ी का। आप इस खिचड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी बनती है और क्विक वे में बन जाती है। अगर आप मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये खिचड़ी झटपट बनकर तैयार हो जाएगी, और ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर रहती है। आप इस खिचड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी तो प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। Thank you for watching.